हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. ओके, सो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि लाइट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिबाउंड बैक हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, नाउ उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक मिरर में इमेज किस तरह से बनती है, कि अगर मेरी इमेज मिरर में बन रही है तो वो किस तरह से फॉर्म हो रही है, इस चीज को हमने रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था. ओके, सो हमने लाइट के बारे में पढ़ा, देन रिफ्लेक्शन को समझा, और फाइनली रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर, हमने पढ़ा था सोलर कुकर के बारे में, या फिर पेरिस्कोप, पेरिस्कोप के बारे में भी हमने पढ़ा था. सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर व्हाट दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हर बार उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था. नाउ कुछ ऐसे फिनोमिनन होते हैं इस नेचर में, कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना. आपने देखा है रात के समय में तारे चमकते हैं, लेकिन वो जो तारे चमकते हैं, क्या आपने ये सोचा है कि वो क्यों चमकते हैं? ऐसी क्या चीज है कि वो तारे अपने आप ही ट्विंकल करते हैं? ओके, और दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं एक ग्लास में पानी भर दूं और फिर उस ग्लास में पानी के ऊपर से जब देखूं तो ग्लास का बेस आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, ऐसा आप कॉमन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. ग्लास लीजिए, उसमें वाटर डाल दीजिए और उसके बेस को देखिए ऊपर से, तो आपको दिखेगा कि उसका बेस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है. क्या आपने सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? ये क्या जादू है एक तरह से देखा जाए तो? ओके, दूसरा, अगर मैं एक ग्लास में पानी लेके उसमें एक लेमन ड्रॉप कर दूं, एक छोटा सा लेमन डाल दिया, अगर मैं उस लेमन को साइड से देखूं ग्लास को, तो साइड से जब मैं देखूंगा तो मुझे ना वो लेमन बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, मुझे बड़ा वो दिखेगा, मैग्नीफाइड जैसा दिखेगा. ऐसा क्या हो रहा है पानी में कि आपने लेमन डाला तो वो बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालोगे ना वो वापस छोटा हो जाएगा? तो वो छोटा कैसे हो गया? कुछ तो जादू है, मतलब कि लेमन अंदर जाने से बड़ा हो गया और बाहर निकालने से छोटा हो गया. समथिंग हैपेंड, कुछ चीज हुई है. इसी तरह से अगर मैं लेमन की जगह एक कॉइन डाल दूं, एक ग्लास में आपने एक कॉइन डाल दिया, कॉइन डालने पे आप ये देखोगे कि अगर आप वापस से ऊपर से देखोगे उस ग्लास में, तो यू विल फाइंड कि कॉइन जो सतह पे बैठ गया था, बेस में बैठ गया था, वो भी ऊपर दिखाई देगा, ऊपर थोड़ा सा अपसाइड. सिमिलरली आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, जो ग्लास का स्लैब होता है, स्लैब मीन्स एक स्क्वायर शेप का, एक छोटा सा ग्लास का बॉक्स जैसा, इसे हम रेक्टेंगुलर स्लैब कहते हैं. इस स्लैब को पेपर वेट की तरह उपयोग किया जाता है. आपने देखा होगा पेपर वेट होता है एक स्लैब शेप का, एक ग्लास का रेक्टेंगल शेप का. उसको अगर मैं पेपर के ऊपर रख दूं, न्यूज़पेपर पे रख दूं, तो अगर मैं उस स्लैब में न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करूं, आपने स्लैब रख दिया और उसके ऊपर से न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करी, सो यू विल फाइंड कि जो लेटर्स स्लैब के नीचे आ रहे हैं न्यूज़पेपर के, वो सभी उठे हुए दिखाई देंगे, थोड़े से ऊपर हो जाएंगे. क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली नॉट. हम इन फिनोमेना को लाइट के रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसीलिए हमने फिर ये सोचने की कोशिश की कि अगर लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या कोई और भी चीज़ है जो हो रही है? रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि रिफ्लेक्शन हमेशा किसी ओपेक मीडियम से होता है. हमने ऐसा सीखा था कि एक वॉल है, उससे लाइट आके टकराती है और चली जाती है. तो चलिए इसी चीज को एक थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़े से अलग नजरिए से समझने की हम कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक वॉल है, कुछ इस तरह की. इस वॉल में, दिस इज वॉल, इस लाइन के पीछे पूरी वॉल है, इधर मैं लिख देता हूं वॉल, और इस लाइन के इधर पे पूरी एयर है, दिस इज एयर. अभी हम जहां खड़े हैं, दिस इज एयर, और ये एक वॉल है. इस बोर्ड के पीछे आप देखोगे कि पूरी वॉल ही वॉल है, बहुत सारी वॉल, और इस बोर्ड के आगे जो है, दिस इज एयर, पूरी तरह से एयर है.
इसका मतलब ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड एक इंटरफेस है. दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरफेस. सो आई विल से दिस लाइन जो हमने स्केच की है, दिस लाइन इज इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वॉल. दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वॉल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. हमने ये कहा कि इस इंटरफेस के इस तरफ राइट साइड में पूरी तरह से वॉल ही वॉल है और कुछ भी नहीं है. यू कैन अज्यूम कि ये पूरी वॉल है, ये ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक हर जगह दिस इज वॉल. और इस सरफेस के इस तरफ पूरी तरह से एयर ही एयर है, सिर्फ एयर है और कुछ भी नहीं. ओके सो हमने कहा कि वॉल जो है ये एक मीडियम है. दिस इज अ मीडियम. मीडियम क्या होता है अब हमें समझने की कोशिश करते हैं. मीडियम इज बेसिकली सराउंडिंग, मीडियम इज बेसिकली एनवायरमेंट, माध्यम. मीडियम वो चीज है जहां पे लाइट ट्रेवल करती है या ट्रेवल कर सकती है या कोई एक जैसी चीज. जैसे कि मैं कहूं ये चौक, इस चौक के अंदर का जो मीडियम है वो क्या है, वो चौक है. अभी हमारे सराउंडिंग का जो मीडियम है ये क्या है, ये एयर है. इस दीवार के अंदर का जो मीडियम है वो क्या है, वो दीवार है, क्योंकि पूरी अंदर दीवार ही दीवार है. इस चौक के अंदर क्या है, सिर्फ चौक ही चौक है. तो अगर इसके अंदर कोई चीज ट्रेवल करना चाहेगी तो उसको किससे टकराना होगा, चौक से. उसके चारों तरफ क्या होगा, चौक ही चौक, नथिंग बट ओनली चौक. इसी तरह से अगर आप स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो स्विमिंग पूल में जंप करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आपके चारों तरफ पानी है. मींस जो मीडियम है वो क्या है, पानी, इट इज वाटर. सो मीडियम वो है जहां पे लाइट ट्रेवल करती है या कोई चीज ट्रेवल करती है या अपन अपना सराउंडिंग, दिस इज नोन एज अ मीडियम. ओके दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन. सो आई विल से वॉल इज अ मीडियम एंड सिमिलरली एयर, यस एयर इज ऑल्सो अ मीडियम. एयर भी क्या है, एक मीडियम. नाउ हमने ये देखा था रिफ्लेक्शन में कि एक लाइट रे एयर से आती है, यहां से इस तरह से, लेट अस सपोज ऐसा, लेट अस से दिस इज एओ. एओ इज अ लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन दिस वॉल फ्रॉम एयर. नाउ क्या लाइट रे इसके अंदर चली जाएगी, नो. हमने देखा था दिस वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट कभी नहीं जाती, ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के लौट जाती है. सो इट मीन्स ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. एंड वी विल से कि ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है और ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे है. नाउ इसमें गौर करने की चीज ये है, अगर आप ध्यान से देखो सो यू विल फाइंड कि ए ओ जो है, ए ओ वो एयर में है. क्या कहा मैंने, ए ओ जो रे है वो किस में है, एयर में. वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है. ओके क्या वो वॉल में घुस गई, नहीं, अभी सिर्फ वो वॉल से ओ पॉइंट पे टकराई है. ओ पॉइंट कहां लाए कर रहा है, ओ पॉइंट इस वॉल और एयर के इंटरफेस पे लाए कर रहा है. इधर वॉल है, इधर एयर है, इसका ये इंटरफेस है, इंटरफेस पे लाए कर रहा है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओ पॉइंट जो है वो वॉल के अंदर है, या ऐसा नहीं कह सकते कि ओ पॉइंट एयर के अंदर है, क्योंकि वो एयर और वॉल के बिल्कुल बीच में है. जहां से वॉल शुरू होती है और जहां पे एयर खत्म होती है, बिल्कुल उस पॉइंट पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. नाउ इंसिडेंट रे एयर में है, ऐसा हमने कहा, एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है. उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, विच इज बी ओ ओ एंड बी, सो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी एयर मीडियम में ही है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर आपका इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है और रिफ्लेक्टेड रे जिस मीडियम में है, सो वी विल से दिस इज अ रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमेशा के लिए लाइट जिस मीडियम से आएगी वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लाइट एयर मीडियम से ट्रेवल करके स्ट्राइक कर रही है तो वो एयर में ही वापस लौट जाएगी, हवा में ही लौट जाएगी.
ऐसा कॉन्सेप्ट हमने मिरर्स में देखा था, मिरर्स में कभी भी लाइट उसके अंदर नहीं घुसती, हमेशा उससे टकरा के लौट जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि लाइट जब मिरर से टकराती है तो उस समय वो एयर में रहती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एयर में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो पानी में चली जाती है या कहीं केरोसिन में चली जाती है, इट्स नॉट लाइक दिस, वो रहती तो एयर में ही है। इट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमेशा सेम मीडियम में चली जाती है। सो वी कैन से लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, मतलब रिफ्लेक्शन जब भी होगा लाइट का, लाइट जिस मीडियम से आई थी, जिस माध्यम से आई थी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ओके, सो हमने ये चीज तो क्लियर कर ली कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में चली जाएगी, लेकिन ये चीज तो एप्लीकेबल है सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट के इंटरफेस पे। इट मीन्स वॉल क्या है, वॉल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मीडियम है। एयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्शन कहां पे पॉसिबल है, ओके यू कैन राइट इन योर नोटबुक, रिफ्लेक्शन कहां पे पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल एट द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मीडियम। जहां पे भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक मीडियम मिलेंगे उस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सो रिफ्लेक्शन हमने देखा कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स में होने वाला है, ओके लेकिन क्या सारे ऑब्जेक्ट, सारे मीडियम ओपेक होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। जैसे कि अगर मैं एक ग्लास में, अगर मैं एक ऐसा ग्लास लूं, एक कंटेनर लूं, इस कंटेनर में लेट से मैं यहां तक पानी भर देता हूं, हमने इसको यहां तक पानी से भर दिया। अब ये इधर पूरा पानी है, वी विल से दिस इज वाटर, ये पूरी तरह से पानी है, दिस इज एयर, क्योंकि ग्लास में आपने पानी भर दिया तो पानी तो इतना ही भरा है, लेकिन ऊपर का तो कुछ तो होना चाहिए, वैक्यूम तो है नहीं, खाली नहीं है, बिकॉज हम अर्थ पे हैं, तो एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो बनेगा, एयर तो है, एयर तो आएगी ही आएगी। सो इट मीन्स यहां पे ग्लास के यहां पे एयर है, यहां पे वाटर है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस एक्स वाई इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वॉटर। दिस एक्स वाई इज वॉट, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वॉटर। तो वॉटर और एयर के बिल्कुल बीच की सतह है, ना ये लाइन पानी है ना ये एयर है, ये दोनों के बीच का एक है। ओके, सो इट मीन्स कि इस इंटरफेस पे जब लाइट की एक रे टकराएगी तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इस इंटरफेस के ऊपर या नीचे में मीडियम चेंज हो रहा है। इस वक्त यहां मीडियम वाटर है, इस वक्त यहां मीडियम एयर है। सो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्या लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है? ऑब्वियसली नॉट, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वाई? बिकॉज वॉटर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो लाइट जब इस इंटरफेस पे टकराएगी तो इसके ऊपर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, नीचे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी? उसको ट्रैवल करने के लिए तो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही चाहिए, लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही। लाइट ओपेक मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती, इस दीवार के अंदर लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए टकरा के लौट गई। लेकिन लाइट इस वक्त एयर में भी ट्रैवल कर सकती है और वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है, फिर जाए कहां, कहां पे, यही सोचने की बात है।
तो चलिए हम एक लाइट रे सबसे पहले इस पे इंसिडेंट कराते हैं, सबसे पहले इंसिडेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो हम लाइट को इस इंटरफेस पे इंसिडेंट कराने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से कि एक लाइट रे कुछ इस तरफ से लेते हैं, इस तरह से इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। दिस इज ए ओ, इसको हमने नाम दिया ए ओ। इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है और इसको हमने नाम दिया ए ओ। ओके, सो ए ओ इज व्हाट? ए ओ इज द इंसिडेंट रे। नाउ सो हम लिखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। एक्स वाई, एक्स वाई इज व्हाट? एक्स वाई इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर। सो आई विल राइट एक्स वाई इज व्हाट? इट इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वॉटर। देन एओ इज वॉट? इट इज द इंसिडेंट रे। एओ क्या है? एओ इज द इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट इज ओ? ओ क्या है? ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहां पे भी ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही था, यहां पे भी ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही है। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे हो रही है उसके लिए और यहां पे टर्मिनोलॉजी सेम ही है, हमें एक जैसी दिख रही है कि ये भी लाइट इंसिडेंस हो रही है। बस फर्क इतना है कि इंटरफेस जो है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का इंटरफेस है, लेकिन यहां पे इंटरफेस क्या था? एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट का इंटरफेस था, और कोई डिफरेंस यहां पे नहीं है। सो आई विल से ओ इज वॉट? ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब यहां पे क्या रिफ्लेक्शन होने वाला है? क्या लाइट वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी? नहीं। क्यों नहीं लौटेगी? क्योंकि लाइट एयर में भी ट्रेवल करती है और वाटर में भी ट्रेवल करती है, इसीलिए अब लाइट कंफ्यूज हो गई कि कहां पे जाए, एयर में जाए या वाटर में जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमने यहां पे प्रैक्टिकली इस चीज को करा, प्रैक्टिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशन किया और ये पाया गया कि लाइट जो है वो इस एयर मीडियम से इस इंटरफेस पे टकराने के बाद वाटर में ही जाती है, वो वाटर में ही जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस एयर में नहीं जाएगी। इट विल गो इन द वाटर ओनली। लेकिन लेकिन एक चेंज होता है वहां पे, एक छोटा सा डेविएशन होता है। डेविएशन मतलब एक अपने रास्ते से भटकना, तो लाइट भी अपनी राह से भटक जाती है। लाइट अपनी राह से भटक के कुछ अलग दिशा में चली जाती है, अलग डायरेक्शन में चली जाती है। सो ये देखा गया कि जब भी लाइट एयर से मीडियम में, एयर से वाटर में जाएगी, सो हमेशा उसका जो पाथ ये वाला था, ऐसा, ये ऐसा पाथ था, लेकिन लाइट जो है वो इस पाथ पे चली जाएगी, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी, पाथ में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइट को जाना ऐसे चाहिए था लेकिन वो ऐसे चली गई, लाइक दिस। तो हम कहेंगे कि लाइट जो है वो राह भटक गई, अपनी रास्ते से भटक चुकी है। एंड दिस भटकना ऑफ लाइट, जो लाइट का भटकना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या हुआ रिफ्रैक्शन का मतलब? लाइट का भटकना मतलब रिफ्रैक्शन। सो
हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहां जाके वो अपनी राह से भटक जाती है, अपनी राह से अलग हो जाती है। जैसा हम होते हैं ना कि कोई नई सी जगह में एकदम से चले जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां जाए, हम कहीं पे भी चले जाते हैं, रैंडमली कहीं पे मूव करते हैं। सेम विद द लाइट, लाइट इस वक्त एयर में है, वो वाटर में आएगी तो राह भटक जाएगी और अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो दैट मींस वहां पे हम कहेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। जब भी लाइट किसी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे टकराएगी तो हमेशा रिफ्रैक्शन ही होगा। ओके, सो दिस मींस रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और सिंपल यू कैन रिमेंबर, लाइट का भटकना इज रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ तो इस पॉइंट पे ऐसा कुछ हुआ है, इस पॉइंट पे ऐसा कुछ हुआ है ओ पॉइंट पे कि लाइट अपनी राह से भटक गई, समथिंग हैपेंड। हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हुआ है वो क्या चीज है। ओके, क्या हुआ है वो बाद में डिस्कस, कैसे हुआ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो हमने ये देखा कि लेट अस से दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ये लाइट ऐसा निकल गई। सो ये जो रे है ये क्या है? ये रे रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे। ओ पॉइंट पे क्या हुआ? लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब अपने राह से भटकी, भटकने से ये वाली रे बन के आई। इसको हमने नाम दे दिया ओबी। तो ओबी जो रे है, ओबी रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओबी इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। जैसा रिफ्लेक्शन में था कि रिफ्लेक्टेड रे था, वैसे ही रिफ्रैक्शन में क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। अब गौर करने के बाद क्या कि AO जो इंसिडेंस रे है वो एयर में है और OB जो कि रिफ्रैक्टेड रे है वो वाटर में है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यू कैन नोट डाउन इन दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो कि इन रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन द मीडियम, बट इन रिफ्रैक्शन देयर इज अ चेंज इन द मीडियम। क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, सो इंसिडेंस रे भी एयर में है, रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में है, लेकिन रिफ्रैक्शन की बात करें तो इंसिडेंस रे एयर में है, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में। इट मींस यहां पे एक मीडियम में चेंज हुआ है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो रिफ्लेक्शन हमने देखा कि हो गया। अब रिफ्रैक्शन में टर्म्स भी डिफाइन कर लिए, लेकिन जैसा हमने यहां पे रिफ्लेक्शन में एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ किया था इंटरफेस पे, और फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था, फिर एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला था, सेम कुछ यहां पे भी ऐसा ही हम करेंगे। लेट अस से ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री टू दिस एक्स वाई। एक्स वाई इंटरफेस है, यहां पे भी आपने देखा था हमने इस इंटरफेस पे एक 90 डिग्री बनाया था, तो यहां पे भी हम इस एक्स वाई पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा, लेट अस से दिस इज एम एन, एंड आई विल से कि एम एन इज, व्हाट इज एम एन? एम एन इज नॉर्मल एट इंटरफेस।
जहां पे इंटरफेस है दोनों मीडियम का, उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। फिर हमने ये कहा कि इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो एंगल ए ओ एम होगा। एंगल ए ओ एम, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन के जैसा, रिफ्लेक्शन में भी इंसिडेंस एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहां पे भी दिस इज नोन एज इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई विल राइट एंगल ए ओ एम को हमने नाम दिया आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ जैसा हमने यहां पे एंगल आई के साथ एक एंगल आर भी बनाया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेम यहां पे भी कर सकते हैं। अच्छा यहां पे देखते हैं एंगल बी ओ एन, अगर मैं एंगल बी ओ एन की बात करूं तो दिस इज एंगल बी ओ एन, दिस एंगल इज बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां पे क्या था, जो रिफ्लेक्शन एंगल था वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में था, तो इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या होगा, यहां पे एंगल इज बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, सो इट मींस दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज आर एंड आई विल से एंगल बी ओ बी ओ एंड एन इज इक्वल्स टू आर, इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तब वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तब वहां पे एक इंसिडेंस रे होगी, तब वहां पे एक रिफ्रैक्टेड रे होगी, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, एक नॉर्मल होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। नाउ जैसा हमने देखा था कि अगर ये लाइट बिल्कुल सीधी की सीधी ट्रेवल कर जाती, ऐसी की ऐसी चली जाती, अपने पाथ से नहीं भटकती, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल बराबर हो जाते। लेकिन हम यहां देख सकते हैं कि लाइट जो डायरेक्शन से आ रही है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो काफी बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लाइट जो है वो ऐसी बेंड हो गई है। अगर ऐसी ऊपर की तरफ बेंड होती तो वो बड़ा हो जाता, सेम जाती तो बिल्कुल सेम ही रहता, लेकिन वो अपनी इस तरफ बेंड हो गई है, तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा हो गया है। सो हमेशा आपको ये याद रखना है कि दो मीडियम्स के बीच में अगर इंटरफेस है तो इंटरफेस डेवलप कब हुआ, जब दोनों मीडियम्स अलग है। अगर दोनों ही मीडियम सेम होते तो ये इंटरफेस जैसा कुछ बनता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस बन रहा है, इसका मतलब एयर और वाटर दो अलग मीडियम्स है। सो हमेशा अलग मीडियम्स के इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। नाउ रिफ्रैक्शन तो होगा, हमने ये समझा, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब लाइट अपने पाथ से भटकेगी, चाहे वो ऊपर की तरफ भटके या नीचे की तरफ भटके, लेकिन भटकेगी जरूर। सो इट मींस हमेशा हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट पाथ से तो भटकेगी ही, अगर नहीं भटकेगी पाथ से तो दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे तो हमेशा हमने कहा कि भटकेगी। ओके, सो इट मींस रिफ्रैक्शन चीज ही ऐसी है कि जो हमेशा इंटरफेस पे होगी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के। अगर इनमें से एक भी मीडियम, अगर वाटर और एयर में से एक भी मीडियम ओपेक हो जाता तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होता। यू कैन कंसिडर दिस, यू कैन सी दिस इन योर डेली लाइफ। कैसे, हम मान लेते हैं कि ये एयर है, ये पानी, ठीक है, तो हमने देखा तो पानी में जो बेस है पानी का वो हमें दिख रहा है, तो पानी का बेस हमें दिख कैसे रहा है, हमने जब उसको ऊपर से देखा तो लाइट रे पानी के इंटरफेस पे पहले टकराई,
ऐसी आई, इस पर टकराई, फिर टकरा के बेस पे गई। अब बेस क्या है, ये तो ग्लास का बेस है, तो ग्लास का बेस क्या होता है, ग्लास का बेस एक ओपेक मीडियम है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट उससे टकरा के वापस आ जाएगी। टकरा के वापस आई और फिर अंदर से टकरा के वापस मेरी आईज में आई। ओके, सो इट मींस इसीलिए मैं ग्लास का बेस को देख पा रहा। लेकिन अभी सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेकिन अगर इसमें मैं लेट से जलजीरा मिला दूं, या इंक मिला दूं, या रेती मिला दूं, सैंड मिला दूं, या कोई मिट्टी मिला दूं, ताकि ये पानी जो है ये मडी कलर का हो जाए, मटमैला हो जाए, सो उस केस में क्या होगा, क्या आप मटमैले पानी के नीचे ग्लास के बेस को देख पाओगे? नो, आप उस ग्लास के बेस को नहीं देख सकते। Why it is so? Because जो वाटर आपने अभी तक ट्रांसपेरेंट लिया था वो कैसा हो गया है, वो एक ओपेक मीडियम जैसा हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट रे इसके इंटरफेस पर टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, वो अंदर नहीं जा रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, सो इसी तरह से हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। यू कैन नोट दिस।